हेलो टू एवरीवन। तो भाई लोग, मैं हूं अतुल चौधरी और व्लॉग विद जाट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज अपने सामने है ऑल वाइट महिंद्रा स्कॉर्पियो S10, जो कि दिखने में भाई सही बता रहा हूं फुल देसी गाड़ी जिसको बोलोगे वो ये है। अब प्रॉपर 7 सीटर, अच्छी खासी स्पेस और बहुत सारे फीचर्स। तो भाई आज इस गाड़ी को हम कवर करेंगे और आज इसके बारे में हम सब कुछ बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। ऐसी है कुछ महिंद्रा स्कॉर्पियो की। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे इसके अंदर हमें फीचर्स मिल जाते हैं। अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। गाड़ी के अंदर से कुछ ऐसा लगता है इसका पूरा लुक। सबसे पहले हम बात कर देंगे इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हमें इसके अंदर मिल जाता है और एनालॉग हमें टैकोमीटर भी मिल जाता है। अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो भाई हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील हमें इसके अंदर मिल जाता है और हमें एक चीज और मिलती है कि आप स्टेयरिंग को एडजस्ट भी कर सकते हो साथ। काफी ठीक है, बेसिकली हर गाड़ी में ये फीचर आ रहा है कि आप उसे टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील सब में आ जाती है। अगर हम इसके एसी की बात करें तो भाई काफी ठीक ठाक इसका एसी भी वर्क करता है। बेसिकली विंटर से तो मैंने चलाकर नहीं देखा, बट इसके जो ओनर थे वो मुझे बता रहे थे काफी अच्छा इसका एसी भी वर्क करता है। अगर इसकी भी आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसकी भी आपको डिटेल वीडियो लाकर दूंगा। बाकी और भी किसी चीज से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो के S10 वेरियंट में हमें मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, जो कि काफी हैंडी और काफी ईजी है चलाने में। अगर आपको इसकी फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। बात करें इसके गियर की तो भाई 5 मैनुअल गियर्स हमें मिल जाते हैं। काफी हैंडी सी और काफी प्यारी सी हैंड ब्रेक हमें इसके अंदर मिल जाती है। भाई सीट्स काफी कंफर्टेबल मैं कहूंगा नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सीट्स में, बट हाँ वैसे देखा जाए तो काफी ऊंची गाड़ी है, काफी ऊंचाई पे आप बैठे हुए हो, बोनट भी आपको क्लियरली दिख रहा है, चलाने में गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है। तो भाई ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को उस गाड़ी के अंदर। साथ में हमें इसके मिल जाता है ग्लव बॉक्स, आप पैसेंजर साइड से इसका पूरा व्यू देख सकते हो। पूरे साइड प्रोफाइल में देखें तो हमें मिल जाते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल्स, ड्यूल कलर में हमें मिल जाते हैं इसके ORVMs व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। साइड से कुछ ऐसी प्यारी सी लगती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब भाई हम महिंद्रा स्कॉर्पियो के सारे डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। आप इसे महिंद्रा स्कॉर्पियो ना बोल के व्हाइट शार्क भी बोल सकते हो भाई, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये गाड़ी है भी। तो लेंथ की बात करें तो हमें मिल जाती है 4456 mm की लेंथ, 1820 mm की विड्थ, 1995 mm की हाइट और 2680 mm का व्हील बेस। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफी सही ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। काफी ठीक और काफी दमदार गाड़ी है, फुल्ली देसी गाड़ी जिसको आप बोलोगे वो ये है। अब इसके हम सेकंड रो की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी सेकंड रो। पीछे से कुछ ऐसा लगता है महिंद्रा का पूरा लुक। भाई फीचर्स लोडेड गाड़ी है, कंफर्म फीचर्स लोडेड गाड़ी है भाई। बाकी अगर कुछ भी अगर रह रहा होगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं वहां शो करता जाऊंगा अगर कुछ भी मेरे से मिस हो गया हो तो। भाई इसकी लास्ट रो की बात करें तो 60-40 का हमें इसके अंदर स्प्लिट मिल जाता है। और जो मैं एक चीज बताऊं कि आप इसको फोल्ड करके और आप आराम से अपनी सीट को और इंक्रीज कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो फोल्डेड और काफी बड़ी इसकी बूट स्पेस हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 480 liters की इसके अंदर हमें इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाती है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो एग्जैक्ट क्या वैल्यू है। अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई हमें इसके अंदर मिल जाते हैं चारों के चारों अलॉय व्हील। फ्रंट में हमें मिल जाती है डिस्क ब्रेक और रेयर में हमें मिल जाती है ड्रम ब्रेक। और इसके अगर टायर की प्रोफाइल की बात करें तो हमें मिलता है 235/65R17 17 inches के हमें इसके अंदर टायर मिल जाते हैं। अब इसके 2-3 सेफ्टी फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 नहीं काफी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं हमें इसके अंदर, जैसे कि ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉकिंग मिल जाती है और चाइल्ड सेफ्टी लॉक के साथ हमें इसके अंदर ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और बेसिकली मैं बात करूं 2-3 और जो चीजें हैं, जैसे कि पार्किंग सेंसर्स, अब गवर्नमेंट नए रूल्स के हिसाब से हर गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स आना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये सारे इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। हम इसके बैक प्रोफाइल की बात करें या रियर प्रोफाइल की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव सा लुक है महिंद्रा स्कॉर्पियो का। हेलोजन टेल लैंप्स मिल जाती हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं और काफी प्यारा सा पीछे से इसका लुक है। बीच में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और नीचे हमें दिख जाता है S10। बीच में हमें मिल जाती है भाई बहुत ज्यादा मस्कुलर सी ग्रिल, जो कि स्कॉर्पियो के इस लुक में बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है। और सेंटर में मिल जाता है महिंद्रा का लोगो।
हमें इसके अंदर मिल जाता है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बगल में इंडिकेटर्स, हेडलाइट हाइट एडजस्टर और नीचे की साइड हमें मिल जाते हैं फॉग लैंप। इसमें हमें इंजन मिल जाता है 2200 सीसी का 4 सिलेंडर एम हॉक CRDE डीजल इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 120 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 280 nm का। 5 मैनुअल गियर्स, टर्बो चार्ज और आइडियल स्टार्ट स्टॉप के साथ। बेसिकली अब मैं जब इसमें बताऊं तो एवरेज तो वही कंपनी क्लेम करती है 15.4 kmpl का, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप गाड़ी कैसे चलाते हो, ये सब नॉर्मल बात है। बट भाई ऑफ रोडिंग में इस गाड़ी का जवाब नहीं है। बेसिकली 3 गाड़ियां हैं महिंद्रा के पास जो ऑफ रोडिंग में बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगी हैं, वो है इसकी बुलेरो, महिंद्रा बुलेरो, महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा की थार। भाई ऑफ रोडिंग में इन गाड़ियों का जवाब नहीं है महिंद्रा की गाड़ियों के लिए। बाकी सब इन गाड़ियों में थोड़ा कंफर्ट की भी कमी है, बट ऑफ रोडिंग को हिसाब से देखो तो काफी अच्छी गाड़ियां हैं ये। बाकी जितने भी इसकी एक्सयूवी की जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उन सब में कंफर्ट वगैरह है, बट ऑफ रोडिंग लायक वो गाड़ियां मुझे नहीं लगी हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो भाई ये सब था महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, जो है इसका वेरिएंट 2014 to 2017। बेसिकली अब महिंद्रा ने ये सारे वेरिएंट बंद कर दिए हैं उनके, अब बिल्कुल अलग उन्होंने S11 लॉन्च किया है जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। आप चाहो तो उसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊंगा क्या क्या चेंजेस हैं दोनों में, S10 और S11 में क्या क्या चेंजेस हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो भाई यहां तक देखी है तो भाई व्लॉग विद जाट को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आपके सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में और एक और अच्छी कार के साथ। Thank you so much.